अच्छा एक बात बताओ, लिटरली जो पैकेज होता है हमारा, जो वर्ड होता है डिक्शनरी में, नहीं वो पैकेज का क्या अपन क्या समझ सकते हैं? पैकेज से क्या होता है वो? पैकेज मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये चैनल लोगे, जैसे सोनी का पैकेज होता है तो उसमें पूरा सोनी वाला पैकेज होता है, ESPN वाला लोगे तो ESPN स्टार स्पोर्ट्स होता था पहले, अभी जैसे स्टार स्पोर्ट्स 1, 2, 3, मतलब जितने स्पोर्ट्स चैनल हैं उनका एक अलग पैकेज होता है, समझ रहे हो? बस इसी को याद रखना है अपने को। जैसे कि अगर मान लो कि हॉलीडे पैकेज पे अपन फैमिली पैकेज पे जाते हैं या कभी जाने का सोचते हैं या सोचेंगे, तो उसमें होता है कि आप सिंगापुर या USA या फिर मनाली या फिर सो ऑन, तो वो एक पैकेज होता है जिसमें सिमिलर रिलेटेड जो है वो चीज़ें है ना, यहाँ पे तो उनको चीज़ ही बोल सकते हैं, एंटिटी ही बोल सकते हैं, तो जो रिलेटेड एंटिटीज होती हैं उनको ग्रुप किया जाता है टुगेदर, समझ में आया? मैं बार बार इसको बताता रहूंगा कि पैकेज होता क्या है, ठीक है? तो व्हाट वी हैव टू गो थ्रू विद इज जावा पैकेज स्टेटमेंट, जावा पैकेज स्टेटमेंट। मैं जहाँ पूछूँ आपसे वहाँ बता देना, जहाँ पे भी दिक्कत हो कि मैं उसको वापस फिर बता दूंगा, ठीक है? मैं एक छोटा टॉपिक करके और फिर वापस जैसे आपसे पूछता हूँ, आई आस्क यू, है ना? सो द फर्स्ट इज जावा पैकेज स्टेटमेंट। तो जो अभी हमने पढ़ा सीखा, सो व्हाट वी हैव लर्न राइट जस्ट जस्ट नाउ, कि जो सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी या ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है? एक तो डेफिनेशन ये होता है इसका, ठीक है? सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड टुगेदर, है ना? तो टुगेदर इन व्हाट? सो जो टुगेदर ग्रुप होंगे इन अ पैकेज, सो इट्स अ नॉर्मल एग्जांपल, इट्स अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ अ पैकेज, एंड इन अ जावा कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल वी आर हैविंग, राइट? वेयर द सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड टूगेदर इन अ पैकेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो कि हम वी हैव टू डील विद डेटाबेस, है ना? वी हैव टू डील विद डेटाबेस DB, ठीक है? वी हैव टू डील विद डेटाबेस, इसको अपन बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है? तो ये जो डेटाबेस है इसका जो पूरा पैकेज होता है उसको बोलते हैं अपन जावा डॉट SQL, हमेशा ध्यान रखना जावा डॉट SQL पैकेज। तो ये पैकेज होता है ना, जो पहले से अवेलेबल है। जैसे सी के अंदर पैकेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? सी के अंदर पैकेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन प्रिंट एफ और स्कैन एफ इसकी अपने को अलग से कोडिंग करनी पड़ती। अगर वो हेडर फाइल हमारे पास नहीं होता, कौन सा stdio.h के अंदर होता था या conio.h के अंदर होता था? stdio.h के अंदर होता था ना, ठीक है? और गेट्स ch और ये सारे जो होते थे वो conio.h के अंदर होते थे, है ना? तो कंसोल के अंदर, तो वो कंसोल विंडो तभी वहां पे स्थिर होता था। आपने पूरा जो है वो ऑनलाइन पे करा है, लेकिन अगर आप टर्बो पे काम करते हैं तो वो कंसोल विंडो जो है वो तभी स्थिर रहता है, मतलब नहीं तो वो हिलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा आउटपुट जनरेट करके तुरंत। तो स्क्रीन को अपन स्टेबल करने के लिए, आउटपुट कंसोल विंडो को देखने के लिए गेट CH यूज करते थे, और वो उसकी जो कोडिंग होती थी वो कोनियो डॉट हेडर फाइल के अंदर की गई होती थी। आई बात समझ में? कोनियो डॉट एच के अंदर की गई होती थी, और प्रिंट एफ स्कैन की अपने को पूरी कोडिंग करनी पड़ती अगर stdio.h अपन यूज नहीं करते हैं एज अ हेडर फाइल, ठीक है?
सो दिस वॉज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ पैकेज इन सी और एडवांस सी वी हैव गॉन थ्रू विद, बट दिस इज अ काइंड ऑफ पैकेज जहाँ पे वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर अपन ने डाल दिया था. अगर आपको वैसा कोई भी फंक्शन यूज करना है तो आपको सीधा उस पैकेज को एज अ हेडर फाइल वहाँ पे यूज करना होता था. आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट, रिलेटिंग इट टू द सी, बिकॉज आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा. ठीक है ना? तो जब अपन मान लो कि डेटाबेस को डिस्कस करते हैं, अगर डेटाबेस को कनेक्टेड करते हैं, जैसे जब आप JDBC पढ़ोगे आगे, सर्वर कनेक्टिविटी होगा, है ना, एडवांस जावा के अंदर जब आप पढ़ोगे, या फिर इसके अंदर भी अगर थोड़ा बेसिक भी पढ़ना होगा, तो उस डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक पैकेज जो है वो हमें जावा प्रोवाइड करेगी, करेगी ना, है ना? अगर नहीं करेगी तो हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन नॉट डू दैट मैनुअली. अब कल हमने इंटरफेस पढ़ा था, आपको याद हो, इंटरफेस एप्लीकेशन. तो उसके अंदर हमने देखा था कि JDBC होता है जो एप्लीकेशन इंटरफेस है, जो जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच का इंटरफेस है, जो जावा एप्लीकेशन और डेटा बेस के बीच का इंटरफेस है, वेदर इट इज़ अ ओरेकल, वेदर इट इज़ अ MySQL और वेदर इट इज़ अ पोस्टग्रेस, वो सारे डेटाबेस जो हैं वो JDBC के थ्रू कनेक्टेड थे जावा एप्लीकेशन से. ठीक है? सो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस, दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस. लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है पैकेज. ठीक है? तो अब देखो तुम्हारा इंटरफेस का कंसेप्ट क्लियर है, तो अब मैं उसके रिगार्डिंग तुमको कुछ भी समझाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा. ठीक है? तो जब डेटाबेस और जावा डॉट एसक्यूएल जो है वो आपस में आप कनेक्ट करोगे, और जावा डॉट एसक्यूएल एक पैकेज है जिसके अंदर जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी या फिर डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो या एप्लीकेशन में लाना चाहते हो, तो आपको ये पैकेज यूज करना ही पड़ेगा. इट इज सजेस्टेड दैट वी हैव टू यूज दोज पैकेजेस जिसके द्वारा दी गई सुविधा है ना हम यूज करना चाहते हैं, अदरवाइज देर इज नो ऑप्शन इन जावा टू गो अहेड. फाइन. सो अब हम इससे अपनी क्या समरी बना सकते हैं कि व्हेन इंटरफेस एंड क्लास ग्रुप टुगेदर. ठीक है? या तो इंटरफेस हो या क्लास हो. ठीक है? तो अगर हम लिखें सिमिलर इंटरफेसेस या इंटरफेसेस बोलते हैं, प्लस क्लासेस. ठीक है? इसको करा क्लोज. ग्रुप्ड टुगेदर. ठीक है? बहुत सारे क्लासेस होंगे या बहुत सारा इंटरफेसेस तुमने मान लो कि सिमिलर टाइप का बना रखा होगा और उसका एक पैकेज बना लिया है तुमने ऊपर में, है ना, इनबिल्ट पैकेज, पैकेज 1 के नाम से या पैकेज 2 के नाम से, जैसे इंटरफेस बनाते थे इंटरफर के नाम से या फिर M1 के नाम से, M2 के नाम से, एनीथिंग वी कैन डू दैट. तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ इंटरफेसेस और क्लासेस जो हैं वो रिलेटेड ग्रुप्ड हो गए साथ में, तो दे विल फॉर्म पैकेज. ठीक है? दे विल फॉर्म पैकेज. तो जैसे मान लो कि हम जावा के अंदर, अगर मान लो कि हम जावा के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को क्या बोलते हैं अपन? आईओ. है ना? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को क्या बोलते हैं अपन? आईओ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ठीक है? तो अगर ऐसे ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो इसका जो पैकेज होएगा वो होगा जावा डॉट आईओ. ठीक है? पहले से बना हुआ है इनपुट और आउटपुट. ठीक है? इफ वी वांट टू डू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ठीक है? सो अब इससे हमारा एक अलग समरी आया. ठीक है? आपको याद होगा इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता था, कि जब हम इनकैप्सुलेट कर देते थे एक ब्लॉक को, है ना, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इनकैप्सुलेशन मतलब कि रैप करना किसी चीज को, है ना, एक ही पैकेज में. तो जब यूजर आएगा, एप्लीकेशन यूजर आएगा, तो उसको वो एज अ एप्लीकेशन दिखेगा,
नॉट लाइक कोड, है ना। यही एब्स्ट्रैक्शन में भी होता था। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन में आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करते थे, ठीक है, और इनकैप्सुलेशन में आप जो है वो रैप करते हो उन चीजों को, एक साथ बाउंड करते हो, ठीक है, हाइड कुछ नहीं करते, इनकैप्सुलेट कर देते हो ताकि वो सिक्योर रहे। एवरीथिंग वी आर डूइंग हियर इन जावा इज बेसिकली फॉर सिक्योरिटी रीजन। दैट्स व्हाई जावा इज मच मोर सिक्योर देन एनी अदर लैंग्वेज विच इज एग्जिस्टिंग एंड विच हैज बीन कंपटीशन फॉर इट, राइट। सो अगर हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू डू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन जावा, सो द पैकेज इज जावा डॉट आई ओ, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि ग्रुपिंग इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, ऐसा बोल सकते हैं, ग्रुपिंग इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेज। ठीक है, दैट मीन्स कि इफ वी आर ग्रुपिंग एनीथिंग विच इज एन ऑब्जेक्ट और एन एंटिटी ऑफ रिलेटेड टाइप्स, इफ इट इज ग्रुप्ड टुगेदर इट विल फॉर्म अ पैकेज, फाइन। वेदर इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास एंड इंटरफेस, मोस्टली इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लास एंड इंटरफेस, ये याद रखना हमेशा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इट इज मोस्टली अ ग्रुप ऑफ क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है। जहाँ पे पैकेज को एक बार डिक्लेयर करोगे, एक बार उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जैसे तुम इंटरफेस में करते थे, वहाँ से हम यही रेफरेंस ले सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग द इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब एक क्लास को इनकैप्सुलेट कर दिया अलग, दूसरे क्लास को इनकैप्सुलेट कर दिया अलग, और सबको इनकैप्सुलेट कर दिया कहाँ, पैकेज के अंदर। सो इफ वी आर अबाउट टू कॉल दैट पैकेज, वी हैव टू कॉल दैट पैकेज ओनली, एंड वी विल कॉल ऑल द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स थ्रू दैट वन पैकेज ओनली, फाइन। It is as simple as that. So this is what package is for us. जैसे दो examples हमने लिए कि अगर अपने को input output कराना है तो java dot io, और अगर अपने को database पे से कुछ काम करना है तो फिर क्या बताया अपन ने, java dot sql, ठीक है, java dot sql, sql भी बोलते हैं इसको, structured query language, ठीक है। ये आप जब पढ़ोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर पढ़ोगे एसक्यूएल क्वेरी फायर करना, उसके आंसर रिट्रीव करना, सो वो पूरा डेटाबेस का काम होगा। लेकिन जब उसको जावा से कनेक्टिविटी दोगे या फिर जावा में उसको यूज करोगे, या मान लो जावा के अंदर तुम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो डेटाबेस तो होना चाहिए ना उसके अंदर, तो वो डेटाबेस कैसे होगा, वो डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो वो सारा पैकेज जब तुम यूज करना शुरू करोगे कि अपन एक डेटाबेस बनाए, डेटाबेस को कनेक्ट करें, डेटाबेस से चीजें फेच करें जावा कोडिंग यूज करके, सो देयर इज अ पैकेज कॉल्ड जावा डॉट एसक्यूएल। आई होप इट्स क्लियर। यहां तक कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछो। उसके बाद मैं तुमको समझाता हूं कि पैकेज यूज क्यों होता है और क्या फायदा है इसका, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। यहां तक जो तीन चार पॉइंट्स पढ़े हैं, यहां तक कोई भी दिक्कत हो, जरा सा भी कोई डाउट हो इसके डेफिनेशन में, तो मेरे को बताओ, we will discuss it again, otherwise we will move to examples, I mean not examples ki hum package solve kaise kare, examples ki package hota kya hai aur hum usko kyun use kare, pehle bhi hamara kaam hota tha, right, lekin jab tum package seekh loge to being a java programmer, being a good java programmer without using package is a bad programming practice, fine. So what is good programming practice, jaise hi tum package use karke program karne lagoge तो जो रीडर है वो समझ जाएगा कि ही इज गुड इन एट जावा, फाइन, अदरवाइज ही विल अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। सो दिस इज द केस, व्हाट इज पैकेज, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप टुगेदर इज अ इन अ पैकेज, फाइन। देयर इज एन एग्जांपल जावा डॉट एसक्यूएल जावा डॉट आईओ फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड डेटाबेस ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली, and it's also can be summarized as interfaces and class, similar interfaces and class grouped together, so they will form a package. So we can also summarize a new statement, that is encapsulation mechanism, whether it is for interface or whether it is for class, chahe wo kisi ke liye bhi ho, encapsulation mechanism
को ग्रुप करना, बहुत सारे इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म को एक साथ ग्रुप करना इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैकेज, एज सिंपल एज दैट। इनकैप्सुलेट करना मतलब कि मान लो बहुत सारे पाउडर बने हुए हैं दवाई की, और उसको अपन जो है वो प्लास्टिक कैप्सूल में डाल के और अलग अलग कैप्सूल बना देते हैं, ताकि इतना जो है वो पहली बार में कॉल हो तो जो रोगी है ना, पेशेंट है, वो इसको खाए और सही हो जाए, फिर अगर और ज़रूरत पड़े तो दूसरा कैप्सूल, और ज़रूरत पड़े तो तीसरा कैप्सूल। ऐसे ही यहाँ पे जो है इनकैप्सुलेशन के मैकेनिज्म को ग्रुप कर दिया गया है, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होगी उनको कॉल करेगा और उनको यूज़ करेगा। इट्स वेरी सिंपल, फाइन। इफ देर इज नो क्वेश्चन, वी हैव वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो कि इसका काम क्या होता है। हमने हमने अभी काफ़ी जावा पढ़ा है, अभी इतना तो है कि बेसिक बहुत क्लियर करा। अभी देखो कि अगर मान लो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, वाई पैकेज, इससे पहले भी तो सब चल ही रहा था, ठीक है। वाई पैकेज, तो वाई पैकेज में हम क्या देखते हैं कि जो डेट फंक्शन होता है, ठीक है, डेट DAT, ये फंक्शन दो होते हैं जावा के अंदर, समझ में आ रहा है, ये फंक्शन दो होते हैं जावा के अंदर। इसको अपन ऐसे समझते हैं, अभी मान लो मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे लिखूं मैं डेट, ठीक है, अब इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे भी लिखूं डेट, देख रहा हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि देर आर टू फंक्शन, है ना, दोनों फंक्शन का नाम जो है वो डेट है। इसको मैं सही कर देता हूँ, इसमें स्पेलिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। देर आर टू फंक्शन, और ये जो बड़ा वाला कप आप देख रहे हो, है ना, ये है आपका जावा, ठीक है। तो एक जो आपका डेट है ये वाला, ये होता है यूटिल्स के लिए, यूटिल्स याद होगा आपको, और ये जो डेट है ये होता है SQL के लिए, यानी डेटाबेस के लिए। आई होप इट्स क्लियर, समझ रहे हो। एक जो डेट है वो SQL के लिए होता है और एक जो डेट है वो यूटिल के लिए होता है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा डेट किसके लिए होता है। तो इसका ये कहना है कि ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है, हो सकता है ऐसा बहुत सारा केस होगा जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, विच हैज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टेड देयर, फाइन। सो इफ इट इज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टेड देयर, हाउ इट कैन बी डिसाइडेड, है ना, हाउ इट कैन बी डिसाइडेड दैट विच डेट शुड बी यूज्ड और विच डेट शुड बी कॉल्ड। तो एक ही नाम से दोनों कॉल हो ये तो पॉसिबल नहीं है अगर हम पैकेज यूज नहीं करें तो, ठीक है, लेकिन अगर हम पैकेज यूज करें डेट डॉट SQL, अगर हम कुछ ऐसा यूज करें, फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबल है। अब ये जो है डिफरेंट पैकेज है, एंड इट्स डिफरेंट पैकेज, नाउ इट्स पॉसिबल, सो नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि हम क्यों यूज करें। सो इफ पैकेज स्टेटमेंट इज नॉट देयर, ठीक है, टू क्लास डेट क्लास नॉट पॉसिबल टू बी यूज्ड एट सिंगल टाइम, टू डेट क्लास
इज नॉट पॉसिबल टू गेट यूज्ड एट सिंगल टाइम. क्यों? कंफ्यूजन होगा. और क्या बोलते हैं उसको, एम्बिग्यूटी होगी. तो क्या होगा, कंपाइलर एरर आएगा. बट पैकेज यूज करके हमने उसको कैसे कर लिया यूज, ये भी एक इसका एडवांटेज है. ठीक है. सो द फर्स्ट एडवांटेज, ये जो अभी आपको मैंने बताया, इसके हिसाब से जो पहला एडवांटेज है वो है इसका नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट. इसको ये रिजॉल्व कर देता है. कौन? पैकेज. जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो पैकेज है वो रिजॉल्व कर देता है. किया ना आपके सामने. ठीक है. अब इसी एग्जाम्पल से हम ये भी देखेंगे ठीक है, कि अगर अपने पास दो क्लासेस थे विद द सेम नेम, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू कॉल बोथ द क्लासेस, है ना, टू यूज बोथ द क्लासेस विद द सेम नेम विदाउट यूजिंग पैकेज. एक जो डेट था वो आपके एसक्यूएल का था, और एक जो डेट डेट था वो यूटिल्स के अंदर था, एक जो डेट था वो स्केल फोल्डर के अंदर था, ऐसा समझ लो, और दूसरा जो डेट था वो यूटिल्स फोल्डर के अंदर था. ठीक है, इट्स यूटिल, यूटिल के अंदर था. ठीक है ना. सो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हो गया. अब नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर होता तो डेफिनेटली कंपाइल टाइम एरर होता. फाइन. अब मान लो कि बहुत सारे जो हैं वो क्लासेस यूज हो रहे हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस एंड इंटरफेस, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड, है ना. तो डेफिनेटली जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा बनेंगे, है ना. तो जो पैकेज यूज करोगे तो उनको मान लो कि चार पांच को समेट के एक पैकेज में डाल दिया, फिर चार पांच को समेट के एक पैकेज में डाल दिया, तो जो मॉड्यूल्स हैं वो कम होंगे, है ना. तो मॉड्यूलैरिटी इम्प्रूव्ड हुई यूजिंग पैकेज, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ, रिडेबल बना प्रोग्राम, है ना. अगर मॉड्यूलैरिटी इम्प्रूव्ड हुई थ्रू अ सिंगल लिंक, आई एम एबल टू डिलीवर लेक्चर टू ऑल ऑफ यू एट द सेम टाइम. इफ आई हैव टू यूज फाइव लिंक्स फॉर फाइव स्टूडेंट्स और फाइव लिंक्स फॉर 25 स्टूडेंट्स, मीन्स फाइव स्टूडेंट एट अ सिंगल टाइम, देन द मॉड्यूलैरिटी विल बी इम्प्रूव्ड और डिमिनिश. डिमिनिश, इम्प्रूव नहीं होता वो. ठीक है. फिर मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता अटेंडेंस का, ये सारी चीजें. तो इससे पहले जब पैकेज हम यूज नहीं करते थे, द मॉड्यूलैरिटी इज देयर बट दैट मॉड्यूलैरिटी इज नॉट बीइंग इम्प्रूव्ड एज इट इज बीइंग इम्प्रूव्ड नाउ बाय यूजिंग पैकेजेस. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, दैट इज मॉड्यूलैरिटी इम्प्रूव्ड. फाइन. नाउ द थर्ड वन इज कि अगर मॉड्यूलैरिटी इम्प्रूव्ड होगा तो जैसे अटेंडेंस लेना हुआ, आपके मार्क्स बनाने हुए, आपको टेस्ट लेना हुआ, तो जो मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं तो वो भी तो इम्प्रूव्ड होगा. तो क्या लिख सकते हैं, मेंटेन, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी. फाइन. अब जब ये सारी चीजें हो गई तो सारे पैकेज जो है वो अपने अपने जगह पे जो है वो बनाए जाते हैं. ठीक है. तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला io.stream, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखे. ठीक है. अगर मान लो कि ये एक पैकेज है इनपुट आउटपुट, तो इसका जो पैकेज है वो आउटपुट स्ट्रीम है. तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि आउटसाइड, है ना, आउटसाइड क्लास कैन नॉट एक्सिस्ट एंड आर नॉट अलाउड इन जावा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने बनाया पैकेज पैक वन, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्लास बंद कर दिया. अभी इस पे डाउट है. ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा क्यों.
ठीक है। तो अगर मान लो कि तुमने यहाँ पे पैकेज बना लिया, ठीक है, तो अगर ये पैकेज वन है तो इस पैकेज वन के अंदर जो भी क्लासेस होंगे ग्रुप टुगेदर, उसको कोई आउटसाइड ऑफ द पैकेज से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। पैकेज वन जो है, पैक वन, उसका जो भी क्लास होगा उसको सिर्फ उसी क्लास के अंदर वाले जो फंक्शंस होंगे, जो मेथड्स होंगे, वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बढ़ा है ना? तो अगर सिक्योरिटी बढ़ा है तो चौथा जो है वो इसका जो एडवांटेज है वो क्या हो सकता है? सिक्योरिटी, ठीक है, आउटसाइड क्लास एक्सेस नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मान लो कि वो बॉक्स जो है वो पैकेज है और उसके अंदर कोई क्लास यूज हुआ हुआ है ना, ये पूरा बॉक्स जो है ये पैकेज है और इसके अंदर कोई क्लास अलाउ हुआ हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल अ पैकेज। दिस इज ऑल अ पैकेज। ये पैकेज जो है इसका नाम दिया था हमने पैक वन। इस पैक वन के क्लास को कोई इसके बाहर वाला कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। यहां तक अब बताओ, कोई दिक्कत समझने में? क्या होता है, क्यों होता है, नहीं होता तो क्या होता, और हम इसको यूज करें तो क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ पैकेज, दैट मच ओनली वी हैव डिस्कस्ड फॉर नाउ, दैट मच ओनली वी हैव डिस्कस्ड फॉर नाउ। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर हैविंग, प्लीज आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसकी एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम पैकेज की बात करें तो स्ट्रिंग क्लास की अगर बात करें तो इसका जो पैकेज होता है वो होता है जावा डॉट लैंग, ठीक है। स्ट्रिंग बफर की अगर बात करें तो इसका जो पैकेज होता है वो भी होता है जावा डॉट लैंग, ठीक है। तो जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है, जितने भी क्लासेस हैं पैकेज के अंदर, ऑल क्लासेस आर हाईली रिकमेंडेड। ऑल क्लासेस आर हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। अब इससे अपन क्या सीखते हैं? इससे हम आते हैं एक समरी पे। फॉर अ बीइंग अ गुड जावा प्रोग्रामर, फॉर बीइंग अ गुड जावा प्रोग्रामर, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डू इज एवरी इंटरफेस एंड क्लास, फाइन, एवरी इंटरफेस या और इंटरफेस और क्लास शुड बी यूज पैकेज स्टेटमेंट, शुड बी यूज पैकेज स्टेटमेंट, ठीक है। एवरी इंटरफेस और क्लास शुड बी यूज पैकेज स्टेटमेंट, फाइन। अगर आप पैकेज, और अभी मैंने आपसे बताया था इंटरफेस यूज करते हो तो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर माना जाएगा, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, फाइन। और इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली व्हाट वी हैव गॉन थ्रू विद टू ग्रुप रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस टुगेदर, टू ग्रुप रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस टुगेदर, फाइन। सो दीज आर द समरी ओनली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू राइट इट, हाउ टू राइट अ पैकेज, ठीक है। इतना ही पढ़ा हमने, उसका ये समरी निकला और जो भी इसका एडवांटेज था वो आपने देख ही लिया, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू राइट अ पैकेज स्टेटमेंट. सो हाउ टू राइट पैकेज. फाइन, तो देखते हैं कि हम पैकेज को लिखते कैसे हैं. ठीक है, अभी हमने देखा कि ये पैकेज शुड बी यूनिक, ये सीखा था ना हमने कि पैकेज जो है वो यूनिक होना चाहिए, और जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ये रिजॉल्व करता है. ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है. सही है, तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अगर ये रिजॉल्व करता है तो इट हैज टू बी वेरी यूनिक. ठीक है, और जब इसको अपने को बहुत यूनिक रखना होता है तो सबसे ज्यादा यूनिक क्या होगा, जैसे कि मान लो कि चितकारा यूनिवर्सिटी है, वो पंजाब में भी है और हिमाचल में भी है. वी आर फ्रॉम हिमाचल वन एंड देर इज पंजाब कैंपस ऑल्सो. बट इवन दो उनके भी वेबसाइट में कुछ ऐसे यूनिक एंटिटीज हैं जो कि उनको डिफरेंट बनाती हैं, बिकॉज द बोथ आर डिफरेंट कैंपसेस. तो जो डोमेन है, नेम होता है वेबसाइट्स के, ठीक है, जो वेबसाइट्स के डोमेन नेम होते हैं, जो उनका एड्रेस होता है, फाइन, दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग इन इटसेल्फ. सो इट इज सजेस्टेड कि उसको उल्टा करके अगर अपन लिखें, फाइन, अगर उसको अपन उल्टा करके लिखें तो देर इज नो चांस दैट एनीथिंग वुड बी अकर लाइक कि उस जैसा कुछ और भी होगा, और सीधा करके लिखेंगे तब भी. ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट नाउ, पैकेज पैकेज लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद पूरा वो आईडी लिख देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो इन डॉट एडू डॉट चितकारा डॉट www, ये पंजाब वाला है, फाइन. और यहाँ पे हमने इसको कोलन दे दिया. सो दिस इज द नेम ऑफ द पैकेज वी आर डूइंग इट. तो अब इस तो बहुत यूनिक हो गया, अब यहाँ पे हमारे को कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ इसके नीचे, जैसे ही पैकेज शुरू हुआ, इसके नीचे हमने एक बनाया क्लास जिसका नाम रखा पब्लिक क्लास टेस्ट. ठीक है, पब्लिक क्लास टेस्ट के अंदर हमने सिस्टम आउट से पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, और क्या देते थे, स्ट्रिंग ARG, फाइन, ये दिया. फिर यहाँ पे हमने एक और कर्ली ब्रेसेस ओपन करा, और इसके अंदर हमने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट कराया. और इसके अंदर हमने प्रिंट करा पैकेज, न्यू पैकेज कर लो या हेलो पैकेज कर लो. उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, इसको रन भी करा सकते हो साथ साथ. ठीक है, तो ये हमने लिखा था ऐसा. आई एम गोइंग टू मेक इट अ लिटिल डार्क टू मेक इट विजिबल. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी स्मॉल लाइन ऑफ कोड्स वी आर डूइंग. अब या तो इसको ऑनलाइन पे चला लो, मैंने इसको ऑनलाइन पे नहीं चलाया है, लेकिन आप इसको ऑनलाइन पे चला के देखना. अदरवाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो जो आपको सीखना है वो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर.
मैंने आपको सीएमडी जेडीके पे काम करना सिखाया था। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको जो है स्टेटमेंट्स लिखने हैं और उसके थ्रू जो है आपको रन कराना है। तो डेफिनेटली जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो क्या लिखते हैं, जावा सी कंपाइल के लिए स्पेस टेस्ट डॉट जावा, और फिर क्या करते हैं, एंटर। इसके बाद क्या करते हैं, प्रेस एंटर। सो व्हेन वी विल डू दिस इट विल रन, ठीक है। और ये जो क्लास का नाम है वो है टेस्ट, है ना। तो ऐसा करने से सेव हो जाएगा ये क्लास जाके कहाँ पे, इन करेंट डायरेक्टरी। कहाँ पे सेव हो जाएगा, इन करेंट डायरेक्टरी जिसका नाम है टेस्ट क्लास, ठीक है। जो करेंट डायरेक्टरी है वो किस नाम से बना, टेस्ट क्लास से। हमारे को कुछ करना नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम रन कराते आ रहे थे वैसे रन कराया, बट दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। व्हाट इज द सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड केस। पहला वाला समझ में आया, ये करते आ रहे हैं, हमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो दूसरे वाले केस में हम लिखेंगे जावा सी स्पेस हाइफन डी, ठीक है। और हाइफन डी के बाद हम लिखेंगे टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। हाइफन डी के बाद हम क्या लिखेंगे, टेस्ट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, तो ये हाइफन लगाने से जो साइन है ना, ये जो हाइफन साइन आपने लगाया है ये क्या काम कर रहा है, ये देखने का है, ठीक है। तो ये करंट डायरेक्टरी में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट डायरेक्टरी में, है ना, करंट डायरेक्टरी के अंदर ये जाएगा। लेकिन स्लैश जो हाइफन डी है वो लगा देने से कैसे जाएगा, ये सबसे पहले ये जाएगा, क्या लिखा था हमने पहले, इन। तो सबसे पहले ये जाएगा इन के अंदर, फिर हमने क्या लिखा था, सॉरी, इनके बाद हमने क्या लिखा था, चितकारा, सॉरी एडू। अब एक नया फोल्डर बनेगा एडू, उसके अंदर जाएगा, फिर क्या बनेगा, डब्ल्यू 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 डॉट चितकारा डॉट एडू डॉट इन। तो अब बनेगा चितकारा, ठीक है। फिर एक नया फोल्डर बनेगा, उसका नाम होगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, फाइन। अब ये सब जो भी हो रहा है ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड फोल्डर होंगे, ठीक है। इन दीज आर एक्चुअली सेल्फ क्रिएटेड फोल्डर जो कि आपको हाइफन डी लगाने से वहां पे यूज हो रहा है। तो पहला वाला जो है उसमें तो तुमने करंट डायरेक्टरी में डायरेक्ट सेव कर दिया, लेकिन अगर अपन पर्टिकुलरली उसके लोकेशन पे वन बाय वन जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वी विल डू दिस थिंग, है ना। और इसको चेक भी कर सकते हैं हम सीडी से, तुम उसके अंदर ही अगर टाइप करते हो कि ये कहाँ गया है और क्रिएट हुआ है या नहीं, तो सीडी मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो सीडी कैसे यूज करेंगे, कि सबसे पहले मान लो कि इन में गया ना, तो सीडी और फिर हमने लिख दिया स्पेस देके इन और फिर एंटर, ठीक है। अब ये आ गया है सी डी इन के अंदर, ठीक है, ऐसा दिखा हुआ आएगा आपको, ठीक है। फिर आप लिखोगे सी डी स्पेस ए डू और फिर कर दोगे आप एंटर,
अभी आ गया है, सीडी के अंदर चले गए आप, इनके अंदर चले गए और एडू के भी अंदर चले गए, देखा था ना जब हमने पहले दिन इंस्टॉल करा था। अब आप यहाँ लिख दोगे चितकारा और फिर एंटर। अब आप सीडी के अंदर भी चले गए हो, यानी आपको पाथ मिलता जा रहा है चेंज डायरेक्टरी से, तो आप चेक भी कर रहे हो कि यहाँ पे ये सारी चीजें मिल गई हैं, चितकारा और फिर एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपने दे दिया www, तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया, फिर एंटर करा तो cd.sorry/in। अब आप एडू के अंदर चले गए हो, फिर आप चितकारा के अंदर चले गए हो, फिर आप www के अंदर चले गए हो। ठीक है, अब इस www के अंदर, इस www के फोल्डर के अंदर आपका टेस्ट फाइल स्टोर्ड हो गया है, टेस्ट क्लास फाइल स्टोर्ड हेयर इन करेंट डायरेक्टरी। सो देर आर द टू केसेस फॉर द थिंग्स, पैकेज एंड को जब आप रन कराते हो तो ये वो केस है। ठीक है, अब ये तो हो गया कंपाइल का खेल, है ना, जो तुमने कंपाइल करा उसको अगर तुम्हें किसी करंट डायरेक्टरी में सेव करना है या वैसे। ठीक है, अगर मान लो कि इसको आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पे सेव करना है, तो जैसे ही आपने ये /d दिया था ना, यहीं पे आप जैसे मान लो ई ड्राइव में करना है, तो हमारे पास ई ड्राइव है और उसके बाद कोलन, सॉरी ई ड्राइव एंड कोलन। ठीक है, फिर test.java। अब ये सब कुछ जो है वो ई ड्राइव में पर्टिकुलरली सेव होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे डी ड्राइव बना रखा है तो यहाँ पे आप उसको डी ड्राइव में सेव कर सकते हो, अगर आपने एफ बना रखा है तो एफ ड्राइव में सेव कर सकते हो हाइफन डी के बाद। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो यू नो अबाउट दिस, और ऐसा अगर अपन ने सीख लिया है इसको तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन। सो दिस इज द होल स्टोरी हाउ टू कंपाइल पैकेज, दिस इज द होल स्टोरी हाउ टू कंपाइल पैकेज। वट वी आर डूइंग बिफोर, वी कैन ऑल्सो कंपाइल द थिंग्स लाइक दैट ओनली, द चीज द थिंग्स विल बी सेव्ड इन अ करेंट डायरेक्टरी, बट इफ वी हैव टू गेट इन टू डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी एंड करेंट डायरेक्टरी एंड वी हैव टू मेक द सेल्फ क्रिएटेड फोल्डर्स फॉर दैट, है ना, और उसमें जाके वो चीज़ें अपने को देखनी है, तो मैंने आपको CD यूज करके बता दिया। तो जैसे ही आप www में जाओगे आपको फाइनली दिखेगा कि यहाँ पे जो है टेस्ट डॉट क्लास जो है वो क्रिएट हो चुका है, कमांड प्रॉम्प्ट में करते करते जब आप चेक करोगे तो वो सब कुछ आपको एग्जैक्टली दिखेगा, फाइन, कि कहाँ पे सेव है कैसे है। आप इसको करके देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कहानी तो खत्म हो गई कि ये कंपाइल कैसे होता है। ठीक है, दोनों तरीके अपन ने सीख लिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ हाउ टू रन इट, ठीक है, तो इसको रन करने का एक सिंपल तरीका है कि आप सीधा पैकेज को कॉल करते हो। ठीक है, अब आपको कोई भी क्लास को कॉल नहीं करना, क्लास को यूज करके नहीं करना, ठीक है, पूरा पैकेज का नाम देना है, तो हमने लिखा जावा, इसको एक टॉपिक देते हैं टू रन द पैकेज, ताकि आपको याद रहे, तो हमें यहाँ पे लिखना है बस जावा, फाइन, स्पेस दिया, और क्या था हमारा वेबसाइट का नाम, in.edu.chitkara.www, ये पूरा आप लिख के यहाँ दोगे, और इसके बाद जो है प्रेस एंटर, तो ये प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा और हेलो पैकेज आ जाएगा, या फिर जो भी हमारा था, क्या था हमारा इसका, न्यू पैकेज। सो ऐसा करते ही जो है वो आउटपुट प्रिंट होगा न्यू पैकेज। फाइन, अब यहां तक देखो और बताओ कि कोई दिक्कत हो तो। व्हाट इज पैकेज, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पैकेज, व्हाई वी शुड क्रिएट पैकेज, फाइन, एंड हाउ टू राइट पैकेज स्टेटमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। अब इसको कैसे रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है,
अब कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स और देखने हैं, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यू हैव 1 मिनट, सॉरी 30 सेकेंड्स, और नहीं तो फिर हम नया टॉपिक करेंगे, ठीक है? तो मैं वो जब तक लिखता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल, तब तक आप जो है वो सोच लो कि कुछ पूछना हो तो, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट इफ देर इज एनी। तो अगर मान लो हम एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज पैक वन, एक दूसरा पैकेज बनाते हैं पैकेज पैक टू, ठीक है, और फिर इसके नीचे लिखते हैं हम पब्लिक क्लास, सॉरी टेस्ट, ठीक है, और इसको हम करते हैं पी, इसको भी करते हैं पी, इसको भी स्मॉल पी, ठीक है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लास टेस्ट बनाया, इसकी कुछ बॉडी होगी तो इसकी बॉडी को हमने यहाँ ऐसे लिख लिया ऐसा। तो अगर हम कुछ बनाएंगे है ना, तो इसके नीचे जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होएगा है ना, ठीक है, और इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो भी, अगर आप इसके में कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो वो एक अलग है, ठीक है बात। इस फाइल का नाम क्या हो सकता है, जहाँ पे इसका जो मेन है वो क्लास टेस्ट के अंदर है, तो इस फाइल का नाम हो सकता है टेस्ट डॉट जावा, डेफिनेटली टेस्ट डॉट जावा, ये जो है वो फाइल नेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इसको रन कराते हो, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, कोई आंसर है? जावा सी, हमने लिखा यहाँ जावा सी हाइफन डी, और फिर हमने लिखा टेस्ट डॉट जावा, इसी से रन कराएंगे है ना, और एंटर प्रेस करो, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, क्यों, एनी आंसर? हमने अभी तक क्या सीखा है, दो पैकेज कभी करा था डिक्लेयर? ये अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लास कितना भी हो जाए, इंटरफेस कितना भी ले लो ग्रुप करने के लिए उनको, लेकिन जो पैकेज होगा वो एक ही होगा, जो पैकेज होगा वो एक ही होगा। सो ये हमेशा याद रखना कि अगर एक से ज्यादा पैकेज तुम्हारे प्रोग्राम में दिखता है तो द कंपाइलर विल गिव लेफ्ट टर्न राइट, है ना, वो एरर देगा। सो व्हाट समरी वी आर एट नाउ, एट मोस्ट वन पैकेज इज अलाउड, सो पैक टू कैन नेवर बी लीगल इन जावा, फाइन। बस ये सीखना था अपने को, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसे ही तुम प्रोग्राम को देखो और तुम प्रोग्राम देख के समझ जाओ, इसके बेसिस पे हम एक समरी पे आते हैं, इस बॉक्स में चलते हैं,
ठीक है, कि अगर मान लो कि एक प्रोग्राम के अंदर पैकेज लिखा है, ठीक है, ये तुम्हारा पैकेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर इम्पोर्ट वाला लाइन लिखा है, ठीक है, फिर क्लास लिखा है या फिर इंटरफेस है, ठीक है। तो ये जो है ये सही तरीका है। अगर इसके अलावा तुमको कुछ ऐसा लिखा मिले कि सबसे पहले इम्पोर्ट लिखा है और फिर पैकेज लिखा है, फिर क्लास लिखा है और फिर इंटर, ठीक है, तो ये जो है ये गलत तरीका है, दिस इज नॉट द राइट वे। फाइन, पैकेज जो है किसी भी प्रोग्राम में अगर यूज हुआ है तो वो सबसे पहला लाइन ही होगा। और कितना पैकेज यूज कर सकते हैं, अभी क्या पढ़ा हमने, एटमोस्ट वन। किसी भी प्रोग्राम में कितना पैकेज यूज कर सकते हैं हम, एटमोस्ट एटमोस्ट वन पैकेज, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, सिंपल है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो कि पैकेज के अंदर होते हैं और यही आपको आगे पढ़ना है। इसके अलावा एक प्रोग्राम देख लेता हूँ जो मैं ये आपको सीरीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे सीरीज में ही होगा। तो तुमको बस ये याद रखना है कि दिस इज द राइट सीक्वेंस, दिस इज द ओनली राइट सीक्वेंस वी हैव टू यूज। वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस इन इट, व्हिच इज कलर्ड इन रेड, राइट। सो लेट मी इंक्रीज द साइज, फाइन, इट्स फाइन नाउ। अब देखो ये गलत वाला जो है वो तो इसके अलावा जो भी होगा वो गलत होएगा, ठीक है ना। अब पैकेज एटमोस्ट वन, इम्पोर्ट यूज करेंगे, क्लास कितना यूज कर सकते हैं, इम्पोर्ट कितना यूज कर सकते हैं, दैट इज एनी नंबर, क्लास एनी नंबर, इंटरफेस हाउ मेनी, एनी नंबर, ये इसका सही तरीका है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी जो तुम एग्जाम्पल्स मिलेंगे करने के लिए वो देखोगे तो तुम्हें सब अपने आप अब समझ में आएगा कैसे यूज हो रहा है, कैसे रन करना है, एवरीथिंग, ठीक है। मैंने यही कहा था कि जो दो पैकेज हैं वो अलाउ नहीं होंगे। अब एक प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ऐसा दे सकते हो, या फिर एरे लिस्ट, फाइन। फिर हमने यहाँ पे एक पैकेज बनाया, पैकेज पैक वन, ठीक है। फिर इसके नीचे हमने बनाया पब्लिक क्लास टेस्ट, है ना। फिर इसको कुछ बॉडी दे दी, इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, सो वी कैन रन इट, वी कैन कंपाइल इट। सो विल इट बी कंपाइल्ड, आई मीन दिस वन,
नाउ इट्स सिंपल फॉर यू, ये दोनों आपको साथ साथ दिख रहा है। मैंने जो आपको तरीका बताया वो ये है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस दिस कोड कैन नॉट बी कंपाइल्ड, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में जहाँ पे पैकेज डिक्लेयर किया हुआ हो, इट शुड बी एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉन कमेंट फर्स्ट लाइन होना चाहिए, यानी जो यूज हो रहा है नॉन कमेंट फर्स्ट लाइन। इट इज कंपल्सरी, इट्स कंपल्सरी, ठीक है, देन ओनली इंपोर्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे यहां से उठाओ, कट करो, पैकेज को ऊपर रहने दो, नीचे आओ और ये लिख दो, फाइन। नाउ दिस नॉट कैन बी रिमूव्ड। अब मिलाओ, पैकेज पहला है जो अपन ने समरी बनाई है, उसमें हमने जो सीक्वेंस बनाया उसमें पैकेज पहला है राइट, इंपोर्ट दूसरा है राइट, क्लास और इंटरफेस तीसरा है राइट, एंड इट कैन बी ऑफ एनी नंबर। पैकेज सिर्फ एक ही है, यस इट इज ओनली वन। अगर यहाँ पे तुम वापस पैकेज पैक टू बनाते हो, देन ऑल्सो इट विल गिव कंपाइल एरर, फाइन। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ पैकेज। आसान था, ठीक है। अब जो जावा डॉट फाइल है, इतना हमने पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना। अब जो जावा डॉट फाइल है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी तुमको भेजूंगा, वो सारे अभी देखना आप पैकेज के। इंटरफेस तक तो कल कर लिया था हमने, सेम जो मैंने बताया है वो सब कुछ इसमें लिखा है, ठीक है, देख रहा हूँ। हाउ टू कंपाइल जावा पैकेज, सिंपल पैकेज, तो सारे पॉइंट जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिख दिए हुए हैं कि कौन कौन सा पैकेज यूज होता है, स्टैटिक यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको जितना मैंने बताया अभी सिर्फ उतना ही जानना है, ठीक है। बिल्ट इन पैकेज हो सकता है, तो बिल्ट इन पैकेज आपने देखा था जो यूटिल है, जो जावा डॉट एस क्यू एल है, इन बिल्ट पैक वन पैक टू, ठीक है। एडवांटेजेस वी हैव गॉन थ्रू विद स्लैश हाइफन डी भी क्यों यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हो एग्जैक्टली कि आपका क्लास जो है वो रख दिया जाए जिस फोल्डर के अंदर, करेंट फोल्डर के अंदर, उसके लिए वो कैसे रखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखो, देख रहे हो,
रहा देर आर डिफरेंट पैकेजेस इन द प्रोग्राम, है ना। ये वाला देखो, प्रोग्राम दिखाता हूँ, देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर्स पे कैसे काम कर रहे हैं। क्लास पैकेज और इनम एक्सपेक्टेड, आप इसको ना उस पे ही चलाना, JDK पे। ठीक है, एक बार चला के देखना उसको JDK पे, दिक्कत आएगी तो वी विल डिस्कस इट अगेन, ठीक है ना। मैं एक बार इसको ऑनलाइन पे चला के देखूंगा। तो अभी मैं ये फाइल और जो है वो आपको सब भेज देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना और कल के लिए जो है आप तैयारी कर लो। अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो जो आपके कोड क्वेश्चन डाउट है, नाउ वी विल डू दैट।